नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक शिव टाइम्स और मैं हूं रोहित शर्मा। दर्शकों, आज हम आपको ऐसे शख्सियतें मिलाने जा रहे हैं जिनको बीते कुछ दिन पहले कुछ रुपए मिले और फिर इन्होंने पता करने की कोशिश भी की उस एरिया में जाकर के ये रुपए किसके हैं, लेकिन इनको किसने कोई अभी तक ये चीज़ नहीं बताई कि पैसे किसके हैं और कितने हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है विक्रम सिंह, मैं प्राणंद रोड में रहता हूँ। क्या है ये पूरा मामला, किस आपको जो रुपए मिले हैं ये कब मिले थे, कौन से एरिया में मिले थे? ये 27 मार्च को मिले थे मेरे को, भारतीय जनता चौक के पीछे जो हनुमान जी का मंदिर है उसके पास से मिले थे मेरे को पैसे। और जिस किसी के भी ये पैसे हैं वो अपना नंबर हमें दे जाए या हमारा नंबर वो ले जाए, हमसे बात करे और पैसे अपने ले जाए, और साथ में ये भी बताए कि पैसों के बीच में और क्या बड़ा था, ये चीज़ में बताना चाहता हूँ उसको। लगभग कितने रुपये थे ये पैसे? थे कोई 26,630 रुपया। वो आपका मन नहीं ललचाया कि इतने पैसे मैं रख लूँ या क्या कुछ? मन क्यों ललचाएगा भैया, वो अपनी मेहनत के पैसे हैं उसके, हमारी अगर मेहनत के पैसे हों तो हमें भी यही चाहते हैं कि हमें पैसे मिल जाए वापस। अगर किसी बंदे के वो पैसे गिर भी गए होंगे तो उसको बेचारे को वापस मिल जाए, ताकि वो किसी भी तकलीफ में हो और उसको पैसे वापस मिल जाए। तो आपने जब उस एरिया में जाके पता करने की कोशिश की कि ये रुपये किसके हैं? पता मैंने बहुत किया कि बहुत से लोगों को बताया मैंने, ऐसे बैंक को पैसे मिले हुए हैं गिरे हुए, और मैंने कई 2-3 बंदों को बोला भी पर मेरे को कोई नज़र नहीं आया। फिर मैंने आप मीडिया वालों को बोला कि किसने आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया? नहीं किया। अभी आप चाहते हैं कि जिसके भी ये रुपए हैं उसको वापस मिल जाए, एक शिनाख्त करा के कोई आपको जानकारी दे कि कितने रुपए थे उसमें, रुपए के साथ और भी कुछ आप बोल रहे हैं? और भी कुछ पड़ा था वो बताए कि क्या पड़ा था और कितनी तारीख को मेरे पैसे गुम हुए थे, वो हमारे से पैसे वापस ले जाए। कितनी खुशी होती है जब इस तरह का आप काम करते हैं, दिल में कितनी खुशी होती है कि जो जिसके ये रुपए हैं वो एक गरीब लाचार भी हो सकता है व्यक्ति के उसके गिर गए हों, तो कितनी खुशी होती है दिल में कि जब ऐसे लोग सामने आते हैं? नहीं, खुशी तो होती है सर, देखो अभी किसी की मेहनत के पैसे हैं तो हमने किसी के पैसे लेकर करना भी है, 10-20 हज़ार रुपये लेके क्या करना, अगर लाखों के तादाद में होता तभी हम वापस उसको दे देते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम चाहते हैं कि जल्द ही वो शख्स इनसे मिले और स्क्रीन पे दिए हुए जो नंबर है उस नंबर के को डायल करके इनसे संपर्क करें और इनको बताएं कि वो कितने रुपए थे और रुपए के साथ और भी कुछ चीज़ थी वो क्या थी, और अपने बारे में बताकर जो है इनसे आप पैसे ले सकते हैं। तो दर्शकों, ऐसे ऐसे ईमानदार लोग भी हैं दुनिया में जो कि एक मिसाल, ईमानदारी की मिसाल कायम करते हैं। तो आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक शिव टाइम्स कटरा से, रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट।